अब हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस को कैपिटल में लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट। This means A cross B, A cross B. इसमें क्या करना है देखो, रुक जाओ, वैल्यू ऑफ वन वेक्टर इंटू वैल्यू ऑफ अदर वेक्टर इंटू साइन थीटा, साथ में एक और वेक्टर लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है, एक वेक्टर, किस तरीके का वेक्टर है, यूनिट कैप लगी हुई है ना, पर ये आईजे के नहीं है, ये जो पूरा मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर की ये क्या है वैल्यू, ये क्या है जल्दी बोलो वैल्यू, और अगर वो वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के, फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी मेरे हाथ में है तो ए क्रॉस बी या तो ऊपर होगा या बिल्कुल नीचे, सपोज ए और बी इस बोर्ड में है तो ए क्रॉस बी या तो बाहर होगा या फिर अंदर, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर विच वुड बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स जिनका आप क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज ए और बी सीलिंग में है तो ए क्रॉस बी या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, और ये उसकी क्या होगी वैल्यू, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, सपोज ए और बी हथेली में है तो ए क्रॉस बी या तो यहां होगा या यहां होगा, ए और बी मेरे यहां यहां पर है तो ए क्रॉस बी या तो इधर होगा या अंदर होगा, ए क्रॉस बी विल बी अ वेक्टर विच वुड बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स ए एंड B, are you clear with this? इतना लिखो, और ये मतलब n मतलब normal, n मतलब normal, normal to A and B. लिख लिया, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हाट इज द एंगल, जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो आई क्रॉस आई विल बी जीरो, जे क्रॉस जे विल बी जीरो, के क्रॉस के विल बी जीरो, बिकॉज दे आर व्हाट parallel, I and I both are parallel, so I cross I will be zero, J cross J will be zero, K cross K will be zero, I cross J will not be zero because I and J are perpendicular. तो वो क्या होगा वो लिखता हूँ, ठीक है अब रुको, यहाँ देखो एक सर्कल बनाओ पहले, अच्छा रुक जाओ अभी, ये तो आपने याद कर लिया, एक सर्कल बनाओ पहले,
देखो आई क्रॉस जे, आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो वैल्यू तो 1 आएगी पर उसकी क्या आएगी डायरेक्शन। तो ये बताओ आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, केवल के। आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, के। तो याद कैसे करना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे विल गिव यू के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के विल गिव यू आई, के क्रॉस आई विल गिव यू जे। मतलब अगर तुम एरो के अलोंग चल रहे हो, मैं लिख रहा हूं ना अभी रुको, रुक जाओ। अगर जे क्रॉस आई है तो माइनस के, अगर आई क्रॉस के है तो माइनस जे, और अगर के क्रॉस जे है तो माइनस आई। अगर एरो के अलोंग चलते हो तो प्लस में आएगा, अगर एरो के ऑपोजिट है तो माइनस में। के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, लिख लो।